हेलो फ्रेंड्स, कुछ वास्तुशास्त्र की बात की जाए। आज मैं वास्तुशास्त्र में आपको कैंडल्स, मोमबत्ती के बारे में बताने जा रही हूँ। मोमबत्ती जलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आपको मोमबत्ती कौन से डायरेक्शन में जलानी चाहिए। हर डायरेक्शन में मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जलानी चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होता है ये बताऊंगी। मोमबत्ती के जलाने से पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इनका क्या होता है ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत ही कैंडल्स, आजकल बहुत डिज़ाइंस की कैंडल्स मिलती हैं, अरोमेटिक कैंडल्स भी मिलती हैं, मतलब जिसको जलाने से खुशबू उड़ती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे कई प्रकार की कैंडल्स मार्केट में मिलती हैं। अब यदि हम घर के अंदर यदि कोई कैंडल जलाते हैं, तो आप जैसे ही कैंडल जलाते हैं, कैंडल के अंदर से जो उसका अरोमा, या आप बिना अरोमा की कैंडल भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अरोमा कैंडल ही लें। डिफरेंट डिज़ाइंस की कैंडल्स भी आती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो जब आप घर के अंदर कैंडल जलाते हैं, उस कैंडल के जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को खा जाती है, उस एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को खा जाती है। और जब घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी का इनफ्लो बढ़ जाएगा, या पॉजिटिव एनर्जी को रहने के लिए जगह मिलती चली जाएगी। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंडल्स जलाने का। और दोस्तों, अब मैं आपको ये बताती हूँ कैंडल कौन से डायरेक्शन में जलानी चाहिए। कैंडल्स जलाने का डायरेक्शन है ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट। ये तीन डायरेक्शंस में कैंडल आप जला सकते हैं। वो डायरेक्शन जिसमें कैंडल बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में तो चलो आप एक बार घी को कैंडल थोड़ी देर के लिए ज़रूरत है जला ली, वो अलग बात है, पर नॉर्थ वेस्ट में यदि आपने कैंडल जलाई है तो आपको हर हालत में उस कैंडल पे पूरी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कैंडल की लौ कहीं और न लग जाए। इसका कारण, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको हिंदी में कहते हैं वायव्य कोण, वायु का कोण, हवा का कोण। तो आप हवा के कोण में एक जलती हुई मोमबत्ती रख देंगे तो उस हवा के कारण उस मोमबत्ती की लौ कहीं भी लग सकती है। इसलिए आपको निहायत ज़रूरी हो तो उस जगह पे कैंडल लगाइए, पर उस कैंडल पर आपकी पूरी नज़र रहनी चाहिए। जब आपका काम समाप्त हो जाए तो उस कैंडल को बुझा दीजिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कैंडल लगाते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, वेरी मच केयरफुल, क्योंकि वो वायव्य कोण है, यानी कि वायु हवा का कोण है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और आप पूरे घर में यदि आप ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट में कैंडल जलाते हैं तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कैंडल्स का वास्तु बताया है, इसको फॉलो कीजिएगा और घर के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाइएगा। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप कैंडल यदि लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नारायण नारायण।